बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का आ सकता है। इसके अंदर दो फंक्शन दिए हुए हैं, fx और gx। हमें fog और gof निकालना है, कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है ये। तो fog निकालने का तरीका क्या है, कार क्या है fog? ठीक है, f ऐसे रहेगा और अंदर वाले को यू जी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, पहली ब्रैकेट बना लिखेंगे। ठीक है, फिर जो बाहर लिखा हुआ है उसका फंक्शन लिखो, एफ ओ जी। बाहर लिखा हुआ है एफ का फंक्शन क्या है? ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अंदर वाला फंक्शन लिखेंगे। हर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा माइनस थ्री का, ये भी जी एक्स हो जाएगा और यहाँ तो पूरे रहेगा। अब जो जी एक्स की वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू पुट करो, ये एफ ओ जी अपने पास ही रहेगा। जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वन, उसके बाद माइनस थ्री, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन, यहाँ फोर आ जाएगा। अब एफ ओ जी पे करूँगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस वन। एफ ओ जी क्या आ जाएगा जनाब? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू और थ्री माइनस एक्स हो जाएगा, और थ्री फोर ओवर फोर ओवर फाइव, फाइव माइनस थ्री टू आएगा। ये तो एफ ओ जी का आंसर आया, हमें जी ओ एफ निकालना है। ठीक है भाई, जी ओ एफ का क्या करेंगे? सबसे पहले इसको किस तरह लिखते हैं? जी एफ एक्स, जी एफ एक्स। उसके बाद जो बाहर होता है उसका फंक्शन लिखते हैं, एक्स प्लस वन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वन। फिर एक्स का क्या लिखा जाता है? एफ एक्स प्लस वन। फिर एफ एक्स का फंक्शन क्या है? एफ ओ जी का जो आंसर आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और इसका आंसर आ रहा है थ्री एक्स फोर, तो ये कभी बराबर नहीं आ रहा, ये प्रूव करना था कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ है, ये प्रूव हो गया। तो ये आसान सा सवाल है, आसान सा, कि दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स, हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है। तो हमने एफ ओ जी किया, अंदर वाले फंक्शन को अंदर रखा, ओ के बाद वाले को, फिर जो बाहर लिखा हुआ था उसका फंक्शन लिखा, एक्स की जगह अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू डाली और उसी की जो फंक्शन दिया हुआ था वो पुट किया, उसको सॉल्व किया, एफ ओ जी आ जाएगा। जी ओ एफ में भी ये काम करेंगे कि अंदर ओ के बाद वाले को अंदर रखा, और ओ के बाद वाले को अंदर रखने के बाद फिर उस बाहर वाले का फंक्शन पुट करते हैं, और एक्स की जगह अंदर वाला रखते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल आ सकता है।